सेना प्रमुख एमएम नरवणे आज लद्दाख का दौरा करेंगे। वह भारत चीन के बीच सीमा विवाद से जुड़े गतिरोध पर जमीनी हकीकत का मुआयना करेंगे। वहीं आज दिल्ली में सेना की कमांडर कॉन्फ्रेंस आयोजित भी की जा रही है। आज सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवणे लद्दाख का दौरा करेंगे। उनका ये दौरा ऐसे वक्त में हो रहा है जब भारत और चीन के बीच सीमा विवाद को लेकर गतिरोध जारी है। माना जा रहा है सेना प्रमुख लद्दाख में सैन्य अधिकारियों के साथ मौजूदा परिस्थिति में जमीनी हकीकत का मुआयना करेंगे। इससे पहले मौजूदा परिस्थिति में देश के सुरक्षा के हालात पर सेना प्रमुख ने दिल्ली में टॉप आर्मी कमांडर्स के साथ बैठक की। इसमें चीन और पाकिस्तान सीमा यानी उत्तरी और पश्चिमी दोनों मोर्चों पर ऑपरेशनल हालात की समीक्षा की गई, साथ ही सुरक्षा को चाक चौबंद बनाने के लिए रणनीति पर भी चर्चा हुई। इसके अलावा सेना के सूत्रों से मिल रही खबरों के मुताबिक भारत और चीन के बीच 22 जून को जो कोर कमांडर स्तर की बातचीत हुई है वो सकारात्मक और रचनात्मक माहौल में हुई। डिस एंगेजमेंट के लिए दोनों देशों के बीच आपसी सहमति थी। सीमा विवाद के मद्देनजर सुरक्षा बलों को पूर्वी लद्दाख और अन्य सेक्टर में चीन के किसी भी दुस्साहस का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए पूरी तरह से तैयार रहने के लिए कहा गया। चीन के साथ लगती सीमा की रक्षा के लिए भारत अब से अलग सामरिक तरीके अपनाएगा। शीर्ष सैन्य अधिकारियों को जमीनी, सीमा, हवाई क्षेत्र और रणनीतिक समुद्री मार्गों में चीन की गतिविधियों पर कड़ी नजर रखने के निर्देश हैं।